जय हिंद साथियों। साथियों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ओएमआर सेट कैसे भरना है, इससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है जो यूपी की ऑफिशियल साइट यूपी पुलिस भर्ती ऑफिशियल साइट पे जो है अपलोड किया गया है। उस पीडीएफ में किस प्रकार से आपको ओएमआर सेट भरना बताया गया है, आयोग के द्वारा किस प्रकार से भरना बताया गया है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, यूपी पीबीपीबी के ऑफिशियल साइट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होगा, आपका जो है प्रश्न जो आएंगे वो बहुविकल्पी होंगे और ओएमआर सीट वेस्ट पे होंगे, और यहाँ आपका प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जो आपका क्वेश्चन होगा 150, और आपका जो पेपर होगा जो 300 नंबर का होगा, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। उसके बाद यहाँ बताया गया है ओएमआर सीट बेस्ट पे आपका एग्ज़ाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंक होगा और 2 घंटे का टाइम होगा, यहाँ पर बताया गया है, तो आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम चलने वाला है उसमें आपको ओएमआर सीट में गोला भरना है। ओएमआर सीट में आपको अपनी जो पेपर पुस्तिका है उसमें आपको देख के जो भी क्वेश्चन आपको सही लगे आपको उत्तर पुस्तिका में आपको गोले को आपको रंगीन या भरना है, वो भी पेन से आपको भरना है। अगर आपका जो है सही आता है आंसर, सही आता है तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, अगर आपका आंसर गलत आता है तो 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। अगर आपका जो क्वेश्चन आप देते हैं वो रॉन्ग पाया जाता है तो आपका जो है 0.5 नंबर आपका कट जाएगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही आप जो है क्वेश्चन को फिल करेंगे, और गोला भरने के लिए आपको काला और नीला पेन का प्रयोग करना है, रेड और पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है भाई, आपको काला और नीला पेन का प्रयोग करना है, यहाँ पर बता दिया गया है। तो इस पीडीएफ में आपको बताया गया है, पूरा सही से आपको बताया गया है, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो है क्या करना है, कैसे भरना है। आपको भरने के लिए यहाँ बताया गया है ओएमआर सीट पुस्तिक जो है उत्तर पुस्तिका में जो है आपको परीक्षा केंद्र कोड भरना पड़ेगा, और आपका अनुक्रमांक नंबर भरना पड़ेगा, आपकी पाली कौन सी है ए भरना पड़ेगा, सेकेंड या फर्स्ट जो भी पाली आपका जो है एग्ज़ाम जिस दिन होगा उस पाली का टाइम भरना पड़ेगा, यहाँ सारा कुछ बताया गया है, तो आप आसानी से देख सकते हो भाई। और आप यहां से यही सब आपको डिटेल्स जो है आपको सही तरीके से जो है आपको भरना है, जिससे कि आप 5 साल से इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे भाई, अगर आप एक भी गलती करोगे भाई ना तो आपका जो है पेपर रॉन्ग कर दिया जाएगा, आपका जो है ओएमआर सीट रॉन्ग हो जाएगी और आपकी ओएमआर सीट चेक नहीं होगी। तो यहां इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो एग्जाम होने वाला है उसमें आप बैठने से पहले आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें कि उत्तर पुस्तिका आप भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। तो इसकी जो बताया गया है कि आपको किस प्रकार से अपना जो है भरना है, यहाँ पर बताया गया है सारा कुछ, यहाँ डिटेल में बताया गया है, तो आप देख सकते हो इसकी ऑफिशियल साइट पे, आप यूपी पीबीपीबी की ऑफिशियल साइट से जो है आप इसकी जो है उत्तर पुस्तिका को जो है डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ सारा कुछ बताया गया है कि आपको कैसे क्या भरना है। उसके बाद यहाँ उदाहरण में भी बताया गया है, एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि किस प्रकार से आपको सारा चीज़ यहाँ पर भरना है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है परीक्षा केंद्र, परीक्षा रोल नंबर, आपका कोड क्या भरना है, कैसे सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, तो आप आसानी से देख सकते हो कुछ इसी प्रकार से आपको भरना है। यहाँ सारा कुछ बताया गया है कि आपको अपना परीक्षा केंद्र कोड कैसे भरना है, और अनुक्रमांक नंबर कैसे भरना है, और आपको जो है यहाँ आपकी जो उत्तर पुस्तिका की नंबर है उसे कैसे भरना है, आपकी कौन सी शिफ्ट है उसे कैसे भरना है, यहाँ सारा कुछ आपको बताया गया है। तो आप आसानी से देख सकते हो और अपने उत्तर पुस्तिका ओएमआर सीट में आपको भरना है तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई और चेकआउट कर सकते हो। तो आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से एक बार चेकआउट करके जाना, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देते समय कोई भी गलती ना हो पाए, जिससे कि आपका जो है ओएमआर सीट में कोई भी गलती हो जाती है भाई ना तो आपका ओएमआर सीट जो है चेक नहीं होगा। तो आप जो है कलम से
नीला और जो है यहाँ काला पेन से ही आपको जो है गोले को भरना है, जिससे कि आप जो मशीन चेक करती है जिससे कि वहाँ बारकोड को ही पकड़ ले। तो यहाँ से आप जो है इन सारा चीज़ को भरना है, फिल करना है। आपको कुछ इसी प्रकार से यहाँ सिंपल के रूप में बता दिया गया है, तो आप कुछ इसी प्रकार से भरेंगे। उसके बाद हम नीचे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे आपको भरना है। यहाँ पूरा बताया गया है कि गोले को किस प्रकार से आपको रंग करना है, जैसे आपको कलर करना है, एक गोले को किस प्रकार से भरना है। यहाँ बताया गया है कि गोले को मिटाने या दोबारा भरने पर प्रयत्न ना करें, मतलब दोबारा एक ही बार आप गोले को भरेंगे, आप मिटाएंगे और काटेंगे नहीं। जो भी क्वेश्चन आपका सही होगा आपको एक ही बार में भरना है। यहाँ पर बताया गया है कि करेक्ट कौन है, यहाँ पर करेक्ट और रंग, और यहाँ पर गलत गलत और गलत, सारा कुछ गलत है। जैसे आप यहाँ कट करते हैं, कट फिर सही करते हैं, आधा भरते हैं या दो भर देते हैं, तो इससे आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रख के ही आप अपनी OMR सीट को फेल करेंगे, जिससे कि आपसे कोई भी गलती ना हो। आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश में, दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। आपका जो है हिंदी का सिलेबस जो है हिंदी में होगा, बाकी सारा कुछ जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम से आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, तो आप इसे चेकआउट कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्त, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।